हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सिंह हियर, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जिन भी बच्चों ने जेईई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था 2024 के लिए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जो अपडेट निकलकर सामने आई है। बहुत सारे बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर गलतियां मिस्टेक्स कर दी थी, तो फाइनली जो जेईई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसका जो एक लिंक जो अपडेट कर दिया गया, जिसका लिंक का नाम है करेक्शन विंडो। जी हाँ, अब आप अपने फॉर्म के अंदर अगर आपसे कोई गलती होगी तो आप उसको एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद दोबारा आप उसको सेव कर सकते हो, जिसको हम करेक्शन विंडो बोलते हैं। अब वो करेक्शन विंडो आपको कैसे मिलेगी, कौन सी वेबसाइट के ऊपर मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सारी की सारी अपडेट मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से कि कैसे आपको करेक्शन विंडो करनी है, कैसे आपको जो अपना फॉर्म लॉग इन करके वहां पे अपने जो एडिट करना है, कैसे नहीं करना, ईच एंड एवरीथिंग मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे ही आप गूगल के ऊपर जेईई मेन एसी को सर्च करोगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नंबर वाली वेबसाइट आ जाएगी, जेईई NTA AC.in वाली। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। कई बार बच्चे जो है वो दूसरी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो नीचे वाली वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, NTA वाली, ये वाली। तो आपने NTA की वेबसाइट को ओपन नहीं करना है, आपने सिर्फ ऊपर वाली वेबसाइट को ओपन करना है, जेई मेन NTA AC.in वाली पर। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जितने भी आपके नोटिस आए थे जेईई मेन्स के, वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो जैसे आप फर्स्ट नंबर पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये पहले नंबर का नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, पब्लिक नोटिस है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अपर की जो करेक्शन विंडो है वो आज से आपकी ओपन हो चुकी है, जो कि आपकी 8 तारीख तक जो ओपन रहेगी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं बता रखी कि 8 तारीख को कितने बजे तक जो आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, लेकिन आप किसी भी टाइप का रिस्क ना लें। आज का दिन हमारे पास है, कल का दिन हमारे पास है, तो आज और कल ही आप अपने फॉर्म को एडिट कर दें। तो बाकी इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक नोट अबव, नोट अकॉर्डिंगली, एक्ट अकॉर्डिंगली। तो ये सारी चीजें इन्होंने बोला कि आप चेक करते हैं हमारे कैंडिडेट्स की वेबसाइट के ऊपर। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको जो फॉर्म एडिट कैसे करना है। वैसे तो यहाँ पे लिंक बनके भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे लिंक बनकर अभी तक नहीं आया। अगर लिंक बनके आ गया तो अच्छी बात, अगर लिंक बनकर नहीं आता तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला लिंक है, रजिस्ट्रेशन ओपन वाला। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म को लॉग इन कर लेना एप्लीकेशन पासवर्ड डाल के। तो जैसे आप इस लॉग इन के ऊपर क्लिक करोगे, इस लॉग इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा एडिट का। तो जैसे आप एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो जो चीज आप एडिट करना चाहते हो वो चीज आप एडिट कर सकते हो, लेकिन कुछ लिमिटेशन चीजें ही आप एडिट कर सकते हो, पूरा का पूरा फॉर्म आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन सी चीजें आप एडिट कर सकते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कुछ लिमिटेड चीजें ही आप जो एडिट कर सकते हो। तो जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो लॉग इन करने के बाद भी आप एडिट कर सकते हो अपने फॉर्म को, अदरवाइज यहाँ पे ऊपर अगर लिंक बन के आता है यहाँ पे एक नया लिंक भी जनरेट हो जाएगा। अगर लिंक नहीं जनरेट होता है तो आप यहाँ पे लॉग इन करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे अपनी डेट डिटेल भरो, एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड भरने के बाद सारा कुछ लॉग इन करोगे, लॉग इन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एडिट का। जल्दी जल्दी अब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फटाफट एडिट कर सकते हो, इसमें कोई इतना ज्यादा सर्वर डाउन का इशू नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप कोई किसी भी टाइप का रिस्क ना लें, फटाफट अपने फॉर्म को एडिट करके जल्द से जल्द आप जो है सेव कर दें। तो इसी तरह की काउंसलिंग के रिलेटेड, नीड के रिलेटेड, जेई के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो आती है वो निकल कर सामने, वो आपके भाई आपको जरूर आप तक पहुंचाएगा, काउंसलिंग की हो चाहे वो लेटेस्ट अपडेट हो, जेई की हो, नीड को, ईच एंड एवरी डेट आपके भाई के चैनल पर आपको मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।